जय जयेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना के 10वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम तराना ए बचपन का आयोजन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बीती शाम स्कूल परिसर में किया गया। श्री रतन सिंह बराड़, ADCP क्राइम लुधियाना पुलिस, इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस आयोजन में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिसके बाद होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। ग्रीनलैंड कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना के 10वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम तराना ए बचपन का आयोजन बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ बीती शाम स्कूल परिसर में किया गया। श्री रतन सिंह बराड़, ADCP क्राइम लुधियाना पुलिस, इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस आयोजन में स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिसके बाद होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर और संजय के साथ सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट। लुधियाना में पंजाब भट्टा मालिकों की ओर से एक विशेष मीटिंग की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कान सिंह पन्नू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान भट्टा मालिकों को अपने डिजाइन चेंज करने की हिदायत दी गई थी, जिसके प्रति एक विशेष मीटिंग की गई है, जिसमें मुख्य मुद्दों के प्रति बातचीत कर हल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सर्दियों के सीजन में लोगों को पोल्यूशन ज्यादा तंग करता है और पराली का सीजन होता है, जिसके चलते किसानों ने पराली को जलाना होता है, और कहा कि दिवाली के दौरान पटाखों भी चलाए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें भट्टों की प्रोडक्शन को इस सीजन दौरान बंद करने के लिए कहा गया है। इस मौके पर पंजाब भट्टा मालिक के एसोसिएशन के प्रधान कुलदीप सिंह मक्कड़ ने बताया कि आज हमारे भट्टा मालिकों की ओर से एक विशेष मीटिंग दौरान सर्वसम्मति के साथ फैसला लिया गया है, जिसमें पिछले दिनों
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कान सिंह पन्नू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान भट्ठा मालिकों को अपने डिजाइन चेंज करने की हिदायत दी गई थी, जिसको मुख्य रखते हुए हमारे भट्ठा मालिकों ने इस मीटिंग में सर्वसम्मति के साथ मते को पास कर दिया है। इस बात पर भट्ठा मालिक पंजाब प्रधान ने सहमति जताते हुए कहा कि हमारे खर्चे पर काफी कम बोझ पड़ा है और कोयले की मात्रा भी कम हुई है और हम सरकार से सहमति प्रकट करते हैं। सर्दियों में भट्टों को नहीं चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ हमारी मांगे हैं जो हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस मामले में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि माइनिंग के प्रति हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है ना कि यह हमारी माइनिंग है। उन्होंने कहा कि जिससे हमारे ऊपर लग रहा इंस्पेक्टर राज खत्म हो सके। रेट पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि रेट पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रति भी कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। आज पंजाब क्रिकेट ऑनर एसोसिएशन की मीटिंग लुधियाने हो रही है। इस मसले पर की जा रही है भी साड़ी पिछे पंजाब पोल्यूशन बोर्ड ने चेयरमैन साहब कान सिंह पन्नू जी ने मीटिंग ली सी, जिदे विच उन्होंने कहा कि पोल्यूशन घटाने वास्ते तुहानूं अपने पट्ठियां दे डिजाइन चेंज करने पैने ने, और दूसरा उन्होंने कहा सीगा भी पट्ठियां दा सीजन भी तुहानू शॉर्ट करना पैना है, भी सर्दियों के सीजन के धुआं जिहड़ा वो लोगों नू पोल्यूशन ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि पराली का सीजन हुंदा है। जिमीदारा ने पराली कई जगह जलानी हुंदी या दिवाली के दिन हुंदे ने, इस करके असीं चाहुंदे हां भी उस टाइम ते पट्ठियां की प्रोडक्शन ना होवे, खास करके बर्निंग ना की जाए, धुआं ना होवे। अज असीं पंजाब एसोसीएशन ने मीटिंग की है, साढ़े तकरीबन 22 दे 22 जिले इत्थे हाजिर ने, जिन्हां च सर्वसम्मति नाल फैसला लिया है, सारयां दी सहमति नाल फैसला लिया है भी जो सानू गवर्नमेंट कहण जा रही है, असीं पट्ठे भी हाईड्राफ्ट करन वास्ते फैसला लै चुके हाँ। 25% पट्ठे असीं अपने हाईड्राफ्ट किलन कर भी चुके हाँ, जिहदे नाल साडा खर्चा घटिया, साडी इंडस्ट्री नूं सुधार मिलिया और पोल्यूशन भी घटिया, क्योंकि उहदे च कोले दी लागत पहलां नालों घट आउंदी है। इस तरह असी यह भी फैसला सर्वसम्मति नाल लिया, सहमति सारे की सहमति नाल लिया भी पट्ठे जड़े ने वो सर्दियों का सीजन नहीं चलाया जा करेंगे, हुण 30 जून तक बर्निंग की जाएगी, उस तो बाद नवा सीजन जिहड़ा स्टार्ट होना है, जिहड़ा कि अगे साडा सितंबर अक्तूबर स्टार्ट होंदा है, वो अगे तो फरवरी स्टार्ट होएगा, फरवरी तो स्टार्ट होकर 30 जून तक रहा करेगा। लुधियाना से संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। जलंधर देहाती SSP गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी के दिशा निर्देशों अनुसार हफ्तावरी चलाई नशा मुक्त मुहिम के अंतर्गत नकोदर सदर थाना के अधीन आती गांव शकर चौकी में नशे छड्डो कोड कड्डो की मुहिम के अंतर्गत सेमिनार करवाया गया। जलंधर देहाती SSP गुरप्रीत सिंह भुल्लर जी की दिशा निर्देशों अनुसार हफ्तावरी चलाई नशा मुक्त मुहिम के अंतर्गत नकोदर सदर थाना के अधीन आती गांव शकर चौकी में एक सेमिनार नकोदर DSP डॉक्टर मुकेश कुमार जी का नेतृत्व में किया गया, और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति नशा बेचता है या करता है, उसकी सूचना देने वाले को नाम गुप्त रखा जाएगा। इस मौके उनके साथ नकोदर सदर थाना प्रमुख नरेश कुमार जोशी भी उपस्थित थे और सांझ केंद्र लाबड़ा और नकोदर के इंस्पेक्टर उपस्थित थे। इस मौके नरेश कुमार, सतनाम सिंह, गुरदेव सिंह कोहाड़, हरभजन सिंह और शकर गांव के आसपास के सरपंच, पंच और मोहतवर लोग उपस्थित हुए। आज चौंकी शंकर दे विच अपा ड्रग्स के खिलाफ एक पुलिस पब्लिक मीट करवाई है। SSP जलंधर रूरल श्री गुरप्रीत सिंह जी भुल्लर उन्होंने दिशा निर्देशों हेठ अज एक स्पैशल सप्ताह जिहड़ा है ड्रग्स के खिलाफ आपां एक कैंपेन स्टार्ट की है, जो कि 19 तरीक तो लैके 26 तरीक तक चलेगा। इस वीक दे विच आपां अलग अलग जगह दे विच सैमीनार करावांगे। ड्रग्स दे विच इनवॉल्व किसी तरह का भी कोई बंदा है उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करांगे। अगर किसी बंदे नूं डी एडिक्शन वास्ते कोई हैल्प चाहिए है तो उहदे वास्ते आपां उन्हां नूं मोटीवेट करांगे। इसे लड़ी दे विच आपां अज शंकर चौंकी दे विच अज ए पुलिस पब्लिक मीट करवाई है, जिहदे विच आस पास शंकर चौंकी दे आस पास दे जिन्ने भी इलाके दे वसनीक है इन्हां ने पार्टिसिपेट कीता है, ते इन्हां नूं आपां मोटीवेट कीता कि अगर इन्हां कोल किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हैगी है, वो साडे नाल किसी भी टाइम दे उपर शेयर कर सकते हैं। एक स्पैशल नंबर जो है आपां लॉन्च किया होया ऑलरेडी 7833 4018
जो कि एक्सक्लूसिवली ड्रग संबंधी एक हेल्पलाइन है जिदे उपर कोई भी बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी जी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। पब्लिक का सहयोग ड्रग्स का खात्मा करने वास्ते बहुत जरूरी है, तो इस संबंध के अज पब्लिक के नाल आप मीटिंग की है, तो इस सप्ताह के आप होर भी अलग अलग एरिए इस तरह के सैमीनार आयोजित करांगे। कल इस लवड़ी के आप कल उगी चौंकी दे विच एक दाना मंडी के एक सैमीनार कर जा रहे हैं, जिदे एरिए जिहड़े साइकेट्रिस्ट है जिहड़े डी एडिक्शन दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर है डॉक्टर अनूप वो भी शिरकत करनगे, तां जो इलाके दे विच जिन्ने भी बंदे जिन्हां नूं डॉक्टरी सहायता की लोड़ पैंदी है वो बंदे भी डॉक्टरी सहायता वास्ते डॉक्टर दे नाल परसनली जिहड़ा मौके दे उपर ही रूबरू हो सकन। नकोदर से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्माराम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501, 5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। नीले सरोवर से जल लेके आना मेरे प्रभु के नावन के लिए, महोत्सव है आया गुरु का दीक्षा, महोत्सव है आया संयम स्वर्ण, महोत्सव है आया। तू पास है गुरुवर मेरा विश्वास है, विश्वास है। ओमिक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमिक्स महावीर टावर्स। ओमिक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं।
विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइन्स, लुधियाना। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बठिंडा के सरकारी हॉस्पिटल में 2013 से बनकर तैयार पड़ा आईसीयू यानी कि गहन चिकित्सा विभाग सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अभी तक सेहत विभाग की तरफ से इसे लोगों के लिए शुरू नहीं किया गया, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू में भर्ती होकर चुकाना पड़ रहा है। भाई मनी सिंह सरकारी हॉस्पिटल परिसर में आईसीयू वार्ड शहरवासियों को मुंह चिढ़ा रहा है। लोगों को आवश्यक सुविधाओं से लैस आईसीयू भवन होने के बावजूद इसका लाभ नहीं मिल रहा, इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को कोस रहे हैं। लाखों की लागत से वर्ष 2013 में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के नजदीक बनकर तैयार आईसीयू वार्ड 4 वर्ष बाद भी पूर्ण रूप से चालू नहीं हो सका। सीनियर मेडिकल ऑफिसर सरकारी हॉस्पिटल सुखजिंदर सिंह गिल ने भी माना, यह आईसीयू वार्ड काफी सालों से बंद पड़ा है, परंतु इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, या जो भी करना है या तो पंजाब सरकार ने करना है या तो सेहत विभाग ने इस लोगों की जरूरतों के लिए चालू करना है। जी सर, तो अपने सरकारी अस्पताल दे आईसीयू काफ़ी दिनों तो बंद है, तो पब्लिक नू बहुत ज़्यादा हरेशमेंट हो रही है, ये बारे की कहूँगा सर। मैं सभी मशीन काफ़ी दिनों तो पुरानी पाई है, वो चल नहीं रही हैं, तो ना ही वो ठीक होने योग है। तो इस अलावा साढ़े को ट्रेन स्टाफ की भी कमी हैगी, इस करके नहीं चल रही। सरकार को यह टाइम टू टाइम असी अगाह कराते रहने, तो मशीन जो नवी ही आनी और स्टाफ ही आए तो यह चल सकता है। उम्मीद तो जी एडुकेट स्टाफ हो फिर वो बाद मशीन अभी जो नवी आनियाँ फिर चलनिया, ये तो बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है। उधर हॉस्पिटल में आए मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जो आईसीयू वार्ड बना है वह काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, जिससे कि गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं या चंडीगढ़, फरीदकोट जैसे बड़े शहरों में कि आप अपने पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करवाएं, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो हम कैसे बाहर महंगा इलाज करें। हमारी पंजाब सरकार से मांग है कि इस सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ਸਰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਬਣ ਜੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਈ ਆਵੇ ਜੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਦੀਪੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा लुधियाना के कृष्णा अस्पताल मॉडल टाउन के सहयोग से आज धर्मशाला कुलदीप नगर जोधेवाल बस्ती लुधियाना में 4th विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। खून एक ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, यह वरदान भगवान ने सिर्फ मानव शरीर को ही दिया है और किसी की जिंदगी बचाने के लिए दिया गया यह खूनदान महादान माना जाता है। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा द्वारा लुधियाना के कृष्णा अस्पताल मॉडल टाउन के सहयोग से आज धर्मशाला कुलदीप नगर जोधेवाल बस्ती लुधियाना में 4th विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ले खूनदान किया। ਮਹੱਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ 4th ਕੈਂਪ ਹੈ, ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕੇ।
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਸਲਾ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਜੂ ਵੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ ਬਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਸੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਆਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਥ ਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਹਮ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਗੇ ਹਮਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਹਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇ ਲੀਏ 716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਏ ਗਏ ਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਈ ਤਕਨੀਕ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਰੂਪਨਗਰ ਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨੇ ਵੀ ਘਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨਈ ਤਕਨੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਕਾ ਆਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਸੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਮੇਂ ਆਨੇ ਪਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੋ ਸੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਬਨੇ ਚੂਲੇ ਠੰਡੇ ਪੜ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਭੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ, ਇਸਕਾ ਹਮ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਂਗੇ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਜੋਨਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਦੀਪੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇ ਉਤਸਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ये शोभा यात्रा फिरोजपुर के विभिन्न इलाकों से होती हुई कैथलिक चर्च पहुंची। रस्ते में जगह जगह स्वागती गेट और लंगर लगाकर शहरवासियों ने इसका स्वागत किया। इस मौके विधायक परमिंदर सिंह पिंकी के भाई हरिंदर सिंह मुख्य मेहमान के तौर पर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने शहरवासियों को क्रिसमस डे की बधाई दी। चर्च के पास्टर ने इस खुशी के मौके पर सारे देश और इलाका निवासियों को बधाई दी। फिरोजपुर में ईसाई भाईचारे की तरफ से 25 दिसंबर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा फिरोजपुर के विभिन्न इलाकों से होती हुई कैथलिक चर्च पहुंची। रस्ते में जगह जगह स्वागती गेट और लंगर लगाकर शहरवासियों ने इसका स्वागत किया। इस मौके विधायक परमिंदर सिंह पिंकी के भाई हरिंदर सिंह मुख्य मेहमान के तौर पर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने शहरवासियों को क्रिसमस डे की बधाई दी। चर्च के पास्टर ने इस खुशी के मौके पर सारे देश और इलाका निवासियों को बधाई दी। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। जब इंसान अपने चारों तरफ दर्द देखकर बिलख उठता है, तब वह बढ़ता है दर्दियों के आंसू पोंछने। आचार्य आत्माराम जी के आशीर्वाद और उपाध्याय श्रवण फूलचंद जी महाराज जी की प्रेरणा से सुशील कुमार जी ने 13 अप्रैल 1999 बैसाखी के शुभ दिन दो डॉक्टरों के साथ एक छोटी डिस्पेंसरी शुरू की थी। हाथों से हाथ मिलते गए, जिससे भर्ती दान राशि और समय के साथ छोटी डिस्पेंसरी ने अस्पताल का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 40 डॉक्टर और 110 कर्मचारियों की टीम मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पताल में फ्री आंखों का चेकअप, 24 घंटे इमरजेंसी, 24 घंटे एम्बुलेंस, 24 घंटे पैथोलॉजी सहित कम कीमतों पर सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप भी 501-5001 या अपनी इच्छा अनुसार दान राशि देकर गरीब मरीजों की मदद कर सकते हैं। ओमेक्स रॉयल रेजिडेंसी पखोवाल रोड लुधियाना में जल्द बनने जा रहा है ओमेक्स महावीर टावर्स। ओमेक्स महावीर टावर्स जिसमें 2650 स्क्वायर फीट के 4 BHK फ्लैट्स 5 साल के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध हैं। ओमेक्स कंपनी की तरफ से जैन कम्युनिटी के लिए 18,000 स्क्वायर फीट जगह में बने जैन स्थानक और जैन कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है। आज ही बुक करवाएं, ऑफर सीमित समय के लिए।